Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अयूब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अयूब एडिट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम इस टाइप की फोटोग्राफी सीखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि आप लाइट रूम से मॉडी राइट फोटोग्राफी किस तरह से सीख कर पाते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी जो बिना की एडिट फोटो है वो ये है, एंड एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से होगी। और फ्रेंड्स, इस फोटो को मैं सिंपल लाइट रूम एप्लीकेशन की मदद से एडिट किया हूँ। अगर आप भी इस टाइप की फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम सिंपली कर लेते हैं यहाँ पर लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को ओपन। तो फ्रेंड्स, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर मैं अपनी फोटो को ओपन कर लूँ। एंड फ्रेंड्स, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैं अपनी इस फोटो को इस टाइप से एडिट क्यों। तो इसके एडिटिंग के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जाते हैं यहाँ प्रोफाइल के अंदर। एंड प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको एक एरो देखने को मिलेगा, आपको जो सिंपली इस पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ से आपको नीचे जाना है मॉडर्न सॉरी आर्टिस्टिक के अंदर। एंड यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट करना है वो करना है आर्टिस्टिक 03। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके जो बैलेंस को ये जो मिडल लाइन है इसको अपने प्लस 100 कर देना है, बहुत बड़े फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से कर देना है इसको डन। एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपने जाना लाइट में और इसकी लाइट एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो उसके लिए हम इसके कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर हल्का प्लस करने वाले हैं एंड हाईलाइट्स को हम यहाँ पर माइनस 100 करने वाले हैं। एंड शेडोज़ को हम प्लस 50 रखेंगे यहाँ पर। एंड वाइट्स को हम यहाँ पर हल्का प्लस करेंगे, प्लस 20 रख लेंगे। एंड ब्लैक्स को माइनस 20 रख देंगे फ्रेंड्स, बहुत बड़े फ्रेंड्स। एंड उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से कलर के अंदर, और कलर में आने के बाद हम जाएंगे यहाँ पहले वाइब्रेंस। तो इसकी वाइब्रेंस को हम यहाँ पर हल्का प्लस करेंगे एंड सैचुरेशन को हम यहाँ पर हल्का माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा माइनस करना है, माइनस 12 आप जो है रख सकते हैं। एंड उसके बाद फ्रेंड्स हम जाएंगे मिक्स के अंदर, और मिक्स में आने के बाद हमारे पास सबसे पहले रेड कलर, तो रेड कलर को हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो रेड कलर की यूज़ को हम यहाँ पर जो है माइनस करने वाले हैं, माइनस 50 के आसपास हम इसको रखने वाले हैं। एंड सैचुरेशन को जो है हल्का प्लस करने वाले हैं, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। एंड ल्यूमिनेंस को भी यहाँ पर हम हल्का प्लस कर देंगे जिससे थोड़ी ब्राइट हो जाएगा फोटो। एंड उसके बाद फ्रेंड्स ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर पर हम इसको जो है अपनी स्क्रीन के लिए, तो उसको जो है हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, प्लस 60 रखूँगा मैं यहाँ पर। एंड सैचुरेशन को मैं यहाँ पर हल्का माइनस कर दूंगा, माइनस 11। एंड फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास येल्लो, तो येल्लो के यूज़ को हमने यहाँ पर माइनस 100 कर देना है। एंड सैचुरेशन को जो है हमने यहाँ पर हल्का प्लस कर देना है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स ग्रीन, तो ग्रीन की भी यूज़ को हमने माइनस 100 कर देना है। एंड सैचुरेशन को यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो सैचुरेशन को हमने जो थोड़ा डार्क चाहिए फ्रेंड्स कलर, तो हम इसको जो है हल्का प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, इसको भी प्लस 30 के आसपास हम इसको जो है रख सकते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक्वा, तो एक्वा की यूज़ को हम एक बार यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो यूज़ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। एंड सैचुरेशन को भी हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो सैचुरेशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं। एंड उसके बाद ब्लू, तो ब्लू कलर की यूज़ को हम यहाँ पर, मेरे जो है क्लोथ पर असर कर रहा है ब्लू कलर, तो मैं इसके इसके लिए इसको माइनस 30 रख दूँगा, सॉरी माइनस 40 रख दूँगा। एंड सैचुरेशन को हल्का प्लस कर दूँगा एंड ल्यूमिनेंस को भी हल्का प्लस कर दूँगा। एंड उसके बाद पर्पल, तो पर्पल कलर की यूज़ को मैं यहाँ पर प्लस 100 कर दूँगा। एंड सैचुरेशन को भी यहाँ पर हल्का प्लस कर दूँगा। एंड उसके बाद फ्रेंड्स पिंक, तो पिंक की भी मैं यूज़ को यहाँ पर हल्का चेक कर लूँगा एक बार। एंड इसको जो है मैं ऐसे रहने दूँगा। एंड सैचुरेशन को जो है मैं यहाँ पर प्लस 100 कर दूँगा फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद सिंपली मैं कर दूँगा यहाँ से इसको डन। एंड उसके बाद फ्रेंड समझाएंगे सिंपली शार्पनिंग के अंदर, और इसकी शार्पनिंग को हम जो है हल्का प्लस करने वाले हैं। एंड नॉइज़ रिडक्शन को भी हम यहाँ पर हल्का प्लस कर लेंगे फ्रेंड्स, प्लस 10 रख लेंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ से हमने सिर्फ इसी चीज़ को यहाँ पर जो है एडजस्ट करना है, बाकी सबको हम जो है यहाँ पर ऐसे रहने देंगे। एंड उसके बाद फ्रेंड समझाएंगे कलर के क्लैरिटी के अंदर, तो क्लैरिटी में आने के बाद हम इसकी क्लैरिटी को रखेंगे यहाँ पर माइनस 22। एंड दहेज को भी हम रखेंगे यहाँ पर प्लस 10। एंड उसके बाद फ्रेंड्स बिजनेट को भी हम यहाँ पर हल्का डाउन कर लेते हैं, इतना रख लेते हैं फ्रेंड, बहुत बढ़िया, माइनस 27।
एंड मिडिल पॉइंट को यहाँ पर हल्का प्लस कर लेते हैं एंड फेदर को हम इसके हल्का प्लस कर देंगे फ्रेंड्स, प्लस 70 रख देंगे हम यहाँ पर एंड बाकी सबको हम इसके ऐसे रहने देंगे फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया। एंड फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखाता हूँ, मेरी जो ओरिजिनल फोटो थी वो कुछ ये थी एंड एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से हो गई है फ्रेंड्स, और फोटो हो गई पूरी तरह से तैयार। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको इस टाइप की एडिटिंग सिखानी थी, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड जाते मेरे चैनल आयुब एडिट्स को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नई वीडियो में बहुत जल्दी।